नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां की दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली में आपके मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगा। इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें इस वक्त की दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में आपके मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया। वहीं आपको बता दें कि कश्मीरी फाइल फिल्म को लेकर बीजेपी ने ये पोस्टर लगाया। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कश्मीर फाइल्स फिल्म के समर्थन में ये पोस्टर लगाया गया और बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ये पोस्टर लगाया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ये पोस्टर लगाया, जहां पर ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ये पोस्टर लगाया गया और कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है उसको के सपोर्ट में ये पोस्टर लगाया गया। और वहीं आपको बता दें कि पोस्टर में क्या लिखा हुआ है वो भी हम आपको बता दें कि तुम झूठी फिल्म जिसे बताते हो वो दर्दनाक इतिहास हमारा है, ये पोस्टर में लिखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जहां पर कश्मीर फाइल फिल्म्स के समर्थन में ये पोस्टर लगाया गया, जिस पोस्टर में लिखा है कि तुम झूठी फिल्म जिसे बताते हो वो दर्दनाक इतिहास है हमारा, ये बीजेपी के नेता द्वारा ये पोस्टर लगाया गया आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर। और वहीं आपको बता दें कि कश्मीर फाइल्स को लेकर और कश्मीर फाइल्स के समर्थन में ये पोस्टर लगाया गया, जिसमें तजिंदर पाल नेता का नाम सामने आ रहा है, जिसमें कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया और कश्मीर फाइल्स फिल्म के समर्थन में ये पोस्टर लगाया गया है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। और वहीं आपको बता दें कि 30 मार्च को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में डीए में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है और नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़ाकर 34% हो गया। और वहीं आपको बता दें कि AICPI IW के दिसंबर के आंकड़े आने के बाद से ही कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ोतरी के ऐलान का इंतजार था और कैबिनेट बैठक में 3% डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है। और वहीं कर्मचारियों की मार्च की सैलरी के साथ नया डीए अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिसंबर 2021 के सूचकांक में 1 की कमी और 1 अंक की कमी हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि महंगाई भत्ते के लिए 12 महीने के सूचकांक का औसत 351.33 हुआ है, जिसका औसत 34.04% है, लेकिन महंगाई भत्ता हमेशा पूर्णांक में ही दिया जाता है, यानी जनवरी 2022 से कुल महंगाई भत्ता 34% मिलेगा। और गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा और इसके बाद अब अगले महंगाई भत्ते की गणना जुलाई 2022 में की जाएगी। और दिसंबर 2021 के लिए AICPI के आंकड़े जारी कर दिए गए और इस आंकड़े के अनुसार दिसंबर में ये आंकड़ा 0.3 अंक गिरकर 125.4 अंक पर रहा। वहीं नवंबर में ये आंकड़ा 125.7 अंक पर था और दिसंबर में 0.24% की कमी आई है, लेकिन इससे महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीनों निगमों के एकीकरण का बिल पेश किया है। और वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि तीनों नगर निगमों में 1,40,000 कर्मचारी काम करते हैं और दिल्ली देश की राजधानी और राष्ट्रपति और पीएम के निवास समेत तमाम केंद्रीय दफ्तर यहीं पर हैं। देशी विदेशी यात्राओं के लिए दिल्ली बड़ा केंद्र है और ऐसे में हमें इस शहर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और अमित शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली की खास स्थिति को देखते हुए यहाँ पर नगरीय सुविधाएं बेहतरीन स्तर की होनी चाहिए और शहर में पहले एक ही नगर निगम हुआ करता था, जिसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया और मैंने गृह मंत्रालय की तमाम फाइलें खंगाल डाली, लेकिन यह समझने में नाकाम रहा कि MCD को 3 हिस्सों में क्यों बांटा गया।
वहीं आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम साल 2012 तक एक ही हुआ करता था, लेकिन यूपीए सरकार ने गवर्नेंस बेहतर करने के नाम पर साल 2012 में एमसीडी को तीन हिस्सों में बांट दिया था और उसके बाद से अब तक तीनों निगमों दिल्ली में काम कर रहे हैं। हालांकि एसडीएमसी को छोड़कर बाकी दोनों निगमों की हालत खस्ता है और वो अपने कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बुधवार को विधानसभा में यूपी विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत भी मिली थी और इससे पहले शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल भी नहीं हुए थे और उनका कहना था कि उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया था। वहीं सपा की एक और बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे। वहीं अब बताया गया है कि भरतना तहसील के नगला गांव में हो रही भागवत कथा में शामिल है और इस कारण से वो सपा के गठबंधन दल की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। और इसके अलावा आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने कहा था कि मुझे बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैंने सपा नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और इन परिस्थितियों में मेरा विधायक दल की बैठक में जाना सही नहीं होगा। और वहीं शिवपाल ने आगे कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसके अनुसार काम करूंगा, लेकिन मुझे विधायक दल की बैठक के लिए नहीं बुलाया गया, हालांकि मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूं। और वहीं पंजाब सरकार ने शिक्षा को लेकर दो बड़े फैसले किए और सीएम भगवत मान ने बताया कि राज्य के निजी स्कूलों को इस सेमेस्टर में प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाने के आदेश दिए गए और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दूसरे फैसले में भगवत मान ने कहा कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान पर जाकर यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए नहीं कहेगा और स्कूल उस इलाके की सभी दुकानों पर अपनी किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे और अभिभावक अपनी पसंद की किसी भी दुकान से यूनिफॉर्म और किताब खरीद सकेंगे। और वहीं भगवत मान ने आगे कहा कि पंजाब में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही और हम मनुष्य के तीसरे नेत्र विद्या को व्यापार नहीं बनने देंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव लाने की गारंटी दी थी और शिक्षा के मुद्दे पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह और मनीष सिसोदिया के बीच विवाद भी हुआ था और इस चुनाव में आपने प्रचंड जीत हासिल भी की। और इसके अलावा आपको बता दें कि 16 मार्च से सीएम पद संभालने वाले भगवत मान कई महत्वपूर्ण फैसले भी कर चुके और इससे पहले वो 25,000 सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर चुके और साथ ही 35,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की भी घोषणा कर चुके। और वहीं भ्रष्टाचार रोकने के लिए मान सरकार की तरफ से एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा चुका है और इसके अलावा राशन की घर में डिलीवरी की भी घोषणा की जा चुकी है और वहीं सरकार खुद घर में राशन पहुंचाएगी। वहीं शिवराज सरकार को चुनौती देते हुए पेंशनर जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पेंशनर पुरानी पेंशन योजना लागू करने और महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव 2023 में शिवराज सरकार के खिलाफ वोटिंग का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। वहीं उज्जैन के कोठी मार्ग पर धरना दे रहे सभी विभागों के जो पेंशनधारी हैं उनको उन्होंने मांग उठा रहे हैं और उनका कहना है कि शिवराज सरकार को पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि पुरानी पेंशन के जरिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों को जीवन के अंतिम पड़ाव में काफ़ी मदद मिलती है और नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान है। वहीं कर्मचारी नेता अरविंद चंदेल के मुताबिक सरकार ने अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो विधानसभा चुनाव 2023 में शिवराज सरकार की ओर ध्यान नहीं देंगे और ऐसी स्थिति में शिवराज सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं कर्मचारी नेता के मुताबिक मध्य प्रदेश में 4.5 लाख पेंशनधारी हैं और उनके परिजन निवास करते हैं और ऐसी स्थिति में पेंशनधारी की जायज़ मांगों पर सरकार को तुरंत विचार करना चाहिए। और वहीं पेंशनधारी लंबे समय से मांगों के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि कर्मचारी नेता प्रवीण सिंह के मुताबिक केंद्र सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भरपूर महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महंगाई भत्ते में भी कमी कर रही और कर्मचारियों की ओर से 31% महंगाई भत्ते की मांग भी की गई और मांग पूरी नहीं होने तक
आंदोलन जारी रहेगा। और कर्मचारी नेता अरविंद चंदेल ने भी बताया कि शासकीय सेवाओं में कर्मचारी पूरा जीवन खपा देते हैं, पर जब उसे सरकार की आवश्यकता होती है तो सरकार उसके आशाओं पर खरा नहीं उतरती। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि पेंशनधारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के दौरान कई पेंशनधारी परलोक भी सिधार गए और ऐसी स्थिति में भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं होना दुखद विषय है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अपनी विदेश यात्राओं को विकास से जोड़ने पर बुधवार को तंज कसते हुए कहा कि समग्र विकास के लिए सही सोच और दृष्टिकोण जरूरी है, जो बिना विदेशी दौरे के भी संभव है। और गौरतलब है कि यूपी विधानसभा में नेता विपक्षी दल अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा था कि अगर मैं विदेश नहीं जाता तो देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बन पाता और कानपुर को मेट्रो रेल परियोजना नहीं दे पाता। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव के विदेशी दौरों पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई बार निशाना भी साधा था। और वहीं मायावती ने बुधवार को किए ट्वीट में कहा कि नवनिर्वाचित यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनेक बार विदेश भ्रमण की आड़ में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का अपने विदेश दौरों को विकास के बहाने उचित ठहराना का प्रयास उनकी उस कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसका शिकार बीजेपी उनको अक्सर बनाती रही। और इसके अलावा आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि समग्र विकास के लिए सही सोच और दृष्टिकोण जरूरी है, जो बिना विदेशी दौरे के भी संभव है। और ऐसा बीएसपी सरकार ने ताज एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आदि के जरिए साबित करके दिखाया। और वहीं जिस प्रकार दंगा हिंसा अपराध मुक्त के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है, उसी तरह विकास के लिए भी संकीर्ण है और यह सही सोच जरूरी है। वहीं रीवा जिले में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाने के लिए परिजन ने एम्बुलेंस बुलाई और कई घंटे इंतजार के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं आए तो बुजुर्ग की चार बेटियां उन्हें खाट समेत उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, उसके बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई क्योंकि एम्बुलेंस के बाद बुजुर्ग के लिए शव वाहन भी नहीं मिला और मजबूरन चारों बेटियां बुजुर्ग मां के लाश खाट पर लादकर 2 घंटे में 5 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंची और उनके साथ छोटी बच्ची भी थी। और वहीं आपको बता दें कि यह घटना रीवा के महसुआ गांव की है और यहां रहने वाली मोलिया केवट की तबीयत बिगड़ने पर चारों बेटियां उन्हें लेकर रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। वहां नब्ज टटोलने ते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और घर के सदस्यों ने सीएससी में डॉक्टर से शव वाहन की जानकारी ली, लेकिन सभी ने मना कर दिया और इसके बाद बुजुर्ग के शव को खाट पर रखकर बेटियां घर की ओर निकल पड़ी। और इसके अलावा आपको बता दें कि मृतक की 5 बेटियां और उनके पति की भी मौत पहले ही हो चुकी थी और बेटियों को जब मां के बीमार होने की खबर मिली तो वो उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची थी। और वहीं शव लेकर लौटते वक्त बेटियों को रास्ते में रायपुर थाना भी मिला, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और सिस्टम तमाशबीन बना रहा और कुछ बाइक सवारों ने खाट पर शव ले जाते देख उनसे जानकारी ली और वीडियो बनाकर सिस्टम की असलियत को वायरल कर दिया। और वहीं दावा है कि रायपुर सीएससी में कोई शव वाहन नहीं है और ऐसे में जिला मुख्यालय में और जिला मुख्यालय के भरोसे रहते हैं। वहीं पाकिस्तान में इमरान सरकार के सहयोगी दल MQM के विपक्षी दलों के पाले में जाने के बाद अब मुश्किलें बढ़ गई हैं और वहीं गिरना तय माना जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं की तरफ से अजीबोगरीब दावे भी किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के बड़बोले और वहां के गृहमंत्री शेख राशिद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब के घर का पता नवाज शरीफ ने भारत को दिया था। और वहीं आपको बता दें कि इस बीच पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई और PM इमरान खान को भी झटका लगा और उन्होंने MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को और BAP के खालिद मक्सी को लेटर दिखाने के लिए न्योता भेजा था, लेकिन उन्होंने न्योता से इनकार कर दिया। और वहीं MQM और BAP अब PM इमरान खान के खिलाफ और विपक्षी के साथ हैं और पाकिस्तान की इमरान सरकार का साथ छोड़ने जा रही है। वहीं MQM के सदस्य और कानून मंत्री फारूक नसीम और IT मंत्री अमीनुल हक ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया
इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम इमरान खान देश को संबोधित भी करेंगे और वहीं माना यह भी जा रहा है कि इमरान खान अपने भाषण में कह सकते हैं कि जो भी उनका विरोध कर रहे हैं वो सभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है और जो लोग इमरान खान के खिलाफ वोट करने वाले हैं वो पाकिस्तानी विरोधी और उनके समर्थकों के साथ हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की 342 सदस्य नेशनल असेंबली में खान की पार्टी के 155 सदस्य और उसे सत्ता में बने रहने के लिए कम से कम 172 सांसदों के समर्थन की ज़रूरत है और विपक्ष ने 8 मार्च को नेशनल असेंबली सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था और इस प्रस्ताव के मद्देनज़र रैली का आयोजन भी किया गया था। वहीं दिल्ली की सिविल लाइन पर नर्सों ने धरना प्रदर्शन किया और वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और ये वही नर्सें हैं जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की जान बचाई थी और कोरोना के टाइम पर दिल्ली सरकार ने 3 महीने के एग्रीमेंट पर इन्हें जॉब भी दी थी और बोला था जो कोई भी 3 महीने कम्प्लीट कर लेगा उसे परमानेंट जॉब पर रख लिया जाएगा और 1 साल बाद तकरीबन 1000 लोगों को निकाल दिया गया और अब नर्सों ने धरना प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हाय हाय के नारे भी लगाए गए और वहीं नर्सों ने दिल्ली सरकार से सिर्फ एक ही मांग की है कि उन्हें जॉब उन्हें वापस दी जाए। और वहीं दिल्ली से देखें अरशद जकी की हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिविल लाइन में और हमारे साथ काफी स्टूडेंट है जो दिल्ली में स्टाफ नर्स जो मेडिकल लाइन में थी कॉन्टेक्ट बेस पर रखा गया था 3 महीने पे और ये आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे आज ये? सर हमें वैक्सीनेशन के लिए पोस्टिंग किया गया था लास्ट ईयर मई में, जिस टाइम पे कोई भी अपने घर से निकलने को बाहर तैयार नहीं था, जिस टाइम पे रिश्तेदार आपस में लोग आपस में नहीं मिल रहे थे, उस टाइम पे हमने अब लोगों ने अपना घर छोड़ के अपने घर में वालों को छोड़ के बच्चों को छोड़ के वैक्सीनेशन किया। मैक्सिमम दिल्ली में 100 करोड़ वैक्सीनेशन आपने सुना ही होगा अभी हुआ उस टाइम पे हमें मालाएं बनाई गई, माला बनाने के बाद जब इनका काम पूरा हो गया है तो दिल्ली सरकार अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट से निकाल रही है। तो क्या मांगे आपकी सरकार से? सर हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी जॉब हमें वापस करो और हमें परमानेंट करो। क्या लगता है हो जाएगी जॉब वापस हो जाएगी धरना प्रदर्शन? बिल्कुल हम लेके रखे ही रहेंगे सर, इसमें सोचना तो कुछ है ही नहीं, डबल ऑप्शन वाली कोई बात ही नहीं है, हम लोग करना है तो करना ही है। आज इस धरना प्रदर्शन से क्या सर, हमें दिल्ली सरकार है ना हमारी जॉब से निकाल रही है, कोविड की जब सेकंड वेव आई थी ना हमें बोला गया था जॉब निकाले और हम उस सिचुएशन में अपने घरों से बाहर निकल कर आए थे और आज हमें बोल रहे तुम वापस जाओ। एक बार सोच के देखिए आप लोग, इस टाइम पे लोग घर के बाहर पैर नहीं रख सकते थे, हमने अपनी पूरी फैमिली को रिस्क में डाल के हमने जॉब की, देश की सेवा की और जब आज कोविड ऑलमोस्ट अपने नीचे सफर पे आ गया है तो हमें दिल्ली सरकार कह रही है कि तुम अब अपने घर वापस जाओ, मतलब हमारी नौकरी सिर्फ इतनी ही थी क्या है? और उस टाइम पे हॉस्पिटलों में नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और तो और जब लोग मर रहे थे तो उनको देह संस्कार करने के लिए 24 घंटे तक वेटिंग में रखा जा रहा था, तो उस दिन नर्सिंग स्टाफ को बोला जा रहा था कि नर्सिंग स्टाफ है ही नहीं हमारे पास में। आज जब रोडों पे नर्सिंग स्टाफ खड़ा है तो सरकार हमसे हमें यहाँ से क्यों निकाल रही है, हमें हमारी जॉब वापस चाहिए। हमारे सीएम केजरीवाल का मॉडल ही ये था कि भाई हमें स्कूल की शिक्षा और हमें स्वास्थ्य को अच्छी बनाएंगे, अगर वो स्वास्थ्य शिक्षा को अच्छी बना रहे हैं तो ये रोड पे हमारा स्टाफ नर्सिंग स्टाफ क्यों आया गया है, ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी सर हमारे साथ क्यों यूज करने लगे हैं? और सीएम सर ने तो ये भी कहा था एक इंटरव्यू में क्योंकि कोविड के दौरान जो भी 90 डेज की अपनी ड्यूटी कर लेंगे उन्हें परमानेंट करेंगे, तो आज हमें निकाला क्यों जा रहा है? हमने अपने घर अपने परिवार को सबके दिल पर करने 1 साल तक ड्यूटी किया, क्या उसका हमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्या? जब तक हम अपनी नौकरी के लिए हम हकीकत सच्चाई के लिए कोई शक वाली बात नहीं है, जब तक हम अपने लोगों की जान बचाई अपने जान जो कि मैं डाल के कोविड में आप रोड कर रहे हो बताएं पब्लिक की दिख रही है क्योंकि आपको क्या लगता है कि पब्लिक सपोर्ट करेगी आप? पब्लिक को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा पब्लिक को सपोर्ट क्योंकि जब कोई अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लॉकडाउन के टाइम लोग प्रेफर कर रहे थे अपने घर में रहना, उस टाइम पे हम लोग निकल के आए थे, हमें सबने मना किया था मत जाइए जॉब पे, हमारे घर वालों ने भी मना किया था बट हम देश की रक्षा के लिए निकल गए थे, उस टाइम पे हमें भगवान बना दिया कि मेडिकल स्टाफ भगवान है,
ऑल वर्कर्स भगवान है, बट इस टाइम पे हमें हमारे रोजगार से ही निकाला जा रहा है, तो क्या ये इंसाफ है? और दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि नए रोजगार दिए जाएंगे, मेडिकल को बेहतर बनाया जाएगा, शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा, तो शिक्षा को बेहतर बनाने का और क्या मेडिकल को बेहतर बनाने का क्या यही तरीका है हमें रोजगार से निकाल कर नया स्टाफ लेकर उनको रोजगार दिया जाएगा? हम यहाँ पे 800 से 1000 की मात्रा दिया है और मैं जनता से यह अपील कर रहा हूँ कि कम से कम हम में से जैसे हम नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, सीडीओ है, जो भी है, जितना भी रेस्टिनेटर है, उनकी भी फैमिली में से कोई ना कोई स्टाफ होगा। अगर उनके साथ भी ऐसा होता है कि क्या जनता सामने नहीं आएगी है? हमने बिना खाना खाए और घर पे ना जाते हुए फिर भी यहाँ काम किया है, देश के लिए काम किया है, है? या तो आपको काउंटर में रखना नहीं चाहिए, अगर रखना तो किसी के फ्यूचर के साथ मत खेले। मैं दिल्ली सरकार से जानना चाहता हूँ कि वो फ्यूचर के साथ खेल रही है। वो केंद्र सरकार ने कहा था 100 दिन के बाद हमारी जॉब, केंद्र सरकार ने हमें ये कही गई थी कि जो कोविड के स्टाफ है उनको सबसे पहले प्रिवेंट किया जाएगा, सारी फैसिलिटी उनको दी जाएगी। तो आज कहाँ गई वो फैसिलिटी? हमसे हमारा कुछ नहीं मिला है, हमें कुछ छुट्टी नहीं मिली है, 100 डेस्क की जिंदगी में ड्यूटी रहेगी, उन्हें परमानेंट किया जाएगा। तो आज परमानेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर रहे हैं, ये क्या बात हो रही है सर? पंजाब में केजरीवाल सर ने जो भी काउंटर पे हैं उन सबको परमानेंट किया गया है सिर्फ एक चुनाव मुद्दे के लिए। हम तो इनके कंटिन्यू इनको सालों साल से इनको वोट देते हुए आ रहे हैं और इनको जिता रहे हैं। आज हमारा अधिकार कुछ नहीं है, इनको हमारी चिंता नहीं है। अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में आज ऐसा कर रहे हैं, सबको परमानेंट कर रहे हैं और अपने घर में आग लगा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा दिल्ली सरकार से। मैं एकदम निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे टीचरों के साथ ना खेला जाए। सर मैं दिल्ली सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा कार्य क्यों करा जा रहा है कि सारा स्टाफ, चाहे मेडिकल हो, चाहे टीचर्स हो, कोई भी हो, सीडीओ भी है, अभी प्रेजेंट में मेडिकल स्टाफ या वैक्सीनेटर की बात चल रही है, जो भी वैक्सीनेटर है यहाँ पर, इनको रोड पे आना जा रहा है, रोड पे लाया गया है, ऐसा कार्य क्यों किया गया हमारे साथ? सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमें भगवान बनाया जा रहा था कि आपको काम करना है, आपको काम करना है, जैसे ही जरूरत खत्म होती है हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। क्या ये इंसाफ है दिल्ली सरकार का? क्या दिल्ली सरकार यही इंसाफ देना चाहती है हमें? सर कल से हम लाइव न्यूज़ देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल सर की, कि मैं दिल्ली के लोगों के बीच में आऊँगा, पंजाब के लोगों के बीच में आऊँगा, उनका दुख दर्द समझूंगा। कहाँ है सीएम साहब? पंजाब में वो लोग राशन बांट रहे हैं, हमारा राशन छीन कर उनको दे रहे हो, ये कैसा वोटिंग का तरीका है आप लोगों का? ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम लोगों के साथ ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो हमारे साथ में आए और केजरीवाल सर से ये भी हमारे इस मुद्दे को उठाएं, हमारी आवाज़ को बुलंद करें। मैं जनता से बार बार अपील कर रहा हूँ, प्लीज सभी हमारे सामने आए तो हमारे इस मुद्दे को केजरीवाल सर के पास पहुँचाएं। क्यों हमारे साथ खेला जा रहा है? क्यों हमें मौत में बुला करके धर्म एकदम निकाल दिया जाता है? चलिए आपसे लास्ट सवाल है, आप बताइए क्या चाहेंगे? लास्ट अपना बताइए, जब आपका तोड़ क्या है? हमारा तोड़ यही है कि हम सब आज इकट्ठे हो गए अपनी नौकरी के लिए, हमें नौकरी दीजिए, परमानेंट दीजिए। कुछ सालों बाद में दिल्ली गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेंगी, अगर उनके पास जगह है तो हमें क्यों नहीं रखा जा रहा? हमें निकाल के फिर वहाँ पे किसी और को लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, कुछ महीनों के बाद उनको निकाल दिया जाएगा। तब तक हम ओवर एज हो जाएंगे, हम प्राइवेट के साथ रह जाएंगे। क्या यही काम था हमारा? यही हमारा लास्ट था नर्सिंग करने का फायदा। और सर बोलते हैं कि आप पढ़ाई करिए, सर बोलते हैं एजुकेशन करिए, पढ़ाई करिए, आप लोग अपना एम्प्लॉयमेंट चुनिए। ये क्या कैसा एम्प्लॉयमेंट है कि केजरीवाल सर हमसे हमारा एम्प्लॉयमेंट ही छीन रहे हैं? ऐसी पढ़ाई का हम लोग करेंगे क्या जो हम घर बैठे हैं ऐसी पढ़ाई को लेके? क्योंकि नर्सिंग का हम क्या कैसे कैसे हम लोगों ने नर्सिंग की है, हम लोगों के घर वालों ने कैसे कैसे करवाई है, कितनी मेहनत लगी है हमारी, उसका कुछ नहीं है। हमें व्हाइट कोट पहन के ऐसे रोडों पे बैठने के लिए छोड़ा गया है क्या? सर मैं कहना चाहूँगी, जब मैं है ना यहाँ पे ज्वाइन किया था, मैंने अपने ना 7 महीने की बेटी को मैं छोड़ के आई थी। कोविड का हाई रिस्क टाइम चल रहा था, सोच के देखो 7 महीने की बच्ची जो अभी अपने माँ के दूध के अलावा कुछ खाती पीती नहीं है, उसको छोड़ के मैंने कोविड में ड्यूटी किया। और मेरे साथ में ना आई थिंक मेरे पास में ना बहुत सारी भाई और बहने और भी होंगी जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा है, ठीक है, हाई रिस्क में छोड़ा अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, और हमें बोल रहे आप वापस घर जाओ। मेरा नाम उबैद अहमद है और मैं एक सीडीओ हूँ। देश की पूरी जनता जानती है कि हमारी एनएम, वैक्सीनेटर, डॉक्टर्स और सीडीओ ने कितनी मेहनत की है। पूरा कोविन पोर्टल पे सबसे पहले ना बेनिफिशियरी को ना रजिस्टर हम ही लोग करते हैं,
ठीक है। कोविड टाइम में हम लोग भूखे प्यासे और लॉकडाउन भी लगा हुआ था, उसके बावजूद भी दूसरों में धक्का खाते हुए ये आई कार्ड दिखाइए वो दिखाइए उसको देखते हुए नज़रअंदाज करते हुए भी हम लोग ने अपनी फैसिलिटीज ओपन रखी और लोगों को वैक्सीनेट किया। क्या देश की जनता हमें सपोर्ट नहीं करेगी? सबसे पहले मेरा ये सवाल है केजरीवाल जी से, जो हम लोग ऑलरेडी से वैक्सीनेशन स्टाफ है पूरा हमारा NMs DOs और डॉक्टर्स, तो इन्हें हटा के जो लोग अच्छे से जानते हैं कोविड के बारे में उन्हें हटा के न्यू को लाने से क्या फायदा है ये बताया जाए। सर पहले भी स्कूल जी पहले भी जरूरी नहीं था कि हर एक साइट स्कूल्स में ही चल रही थी, जो स्कूलों के खुलने से ये साइट्स बंद करी जा रही है। पहले भी हमने मेट्रो स्टेशन के आगे बैठ के साइट्स चलाई हैं, पार्किंग एरियाज में बैठ के शादी चलाई है, नाले के पास में बैठ के हमने टेबल्स लगाकर साइट्स चलाई कभी कभी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।